महाराष्ट्र के रत्नागिरी के उत्तर में स्थित एक छोटा सा शहर गणपतिपुले एक पर्यटन स्थल है जो नारियल के पेड़ों, मैंग्रोव और गणपतिपुले मंदिर से घिरे अपने रेतीले समुद्र तटों के साथ यात्रियों को आकर्षित करता है। गणपतिपुले में घूमने की अन्य जगहों के अलावा विशेष रूप से इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। शांत समुद्र तटों का लंबा विस्तार गणपतिपुले को एक आदर्श स्थान बनाता है। शहरीकरण से अनटच्ड यह स्थान अभी भी अपना अछूता आकर्षण बरकरार रखता है। नदी और समुद्र तट का संगम, पहाड़ और गणपतिपुले मंदिर की उपस्थिति पूरे सेटअप को दिव्य ही बनाती है। गणपतिपुले में घूमने की जगहें एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाती हैं, इसलिए दूर दूर से एडवेंचर के शौकीन लोगों को ये आकर्षित करती है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार और आप सबको राम राम। वेलकम बैक टू माई चैनल लिविंग लाइक आरती। चलिए आज जानते हैं गणपतिपुले पर्यटक स्थल के बारे में, तो आ जाइए। कोंकण बेल्ट में स्थित गणपतिपुले में अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है और जलवायु गर्म और ह्यूमिड है। गणपतिपुले में घूमने की जगहों का आनंद लेने के लिए नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि मौसम कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा होता है। इस मौसम में आप समुद्र तटों और जल क्रीड़ाओं का आनंद भी ले सकते हैं। गणपतिपुले पहुंचने के लिए आप मुंबई या पुणे के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। गणपतिपुले मुंबई से 343 किलोमीटर और पुणे से 315 यानी कि 315 किलोमीटर दूरी पे है। मुंबई या पुणे एयरपोर्ट से एक टैक्सी आपको गणपतिपुले के दर्शनीय स्थलों तक ले जाएगी। रत्नागिरी एयरपोर्ट गणपतिपुले का सबसे पास वाला एयरपोर्ट है। आप रत्नागिरी के लिए भी फ्लाइट ले सकते हो। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन गणपतिपुले से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पे है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना कर रहे हो तो आप ट्रेन ले सकते हैं। यह 400 साल पुराना मंदिर भगवान गणेश के प्राकृतिक रूप से निर्मित अखंड मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। गणपतिपुले मंदिर, जिसे स्वयंभू गणपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, साल भर कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर दिवाली और गणेशोत्सव जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान आगंतुकों की संख्या बढ़ जाती है। पूर्व दिशा की ओर मुंह वाले मंदिरों में अन्य भारतीय देवताओं के विपरीत मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर है, इसलिए यह माना जाता है कि देवता पश्चिम दिशा की रक्षा करते हैं और इसलिए उन्हें पश्चिम द्वार देवता के रूप में जाना जाता है। प्राचीन कोंकण संग्रहालय एक खुली हवा वाला संग्रहालय है जो आपको 500 साल पहले कोंकण लोगों की जीवन शैली से परिचित कराता है। यह लाइफ लाइक मूर्तियां प्रदर्शित करता है जो ग्रामीण जीवन और संस्कृति को फिर से जीवंत करती हैं। संग्रहालय का उद्देश्य लोगों को कोंकण क्षेत्र की प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देना है। आर्यवर्य बीच एक प्राकृतिक आश्चर्य है जो लाखों साल पहले एक पहाड़ के समुद्र में मिलने के कारण बना था। ये जुड़वा समुद्र तट आर्यवर्य बीच एक ही पर्वत के दो किनारे हैं। प्रसिद्ध गणपतिपुले मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों समुद्र तट समुद्र के किनारे पर दो अर्ध चंद्रों की तरह दिखाई देते हैं। जयगढ़ गांव में स्थित, जो गणपतिपुले से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जयगढ़ किला अपने महत्वपूर्ण इतिहास के लिए गणपतिपुले में घूमने की सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। किला एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है और खुली खाड़ी और समुद्र का भव्य दृश्य प्रस्तुत करता है। किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और बीजापुर के सुल्तान ने इसे पूरा किया। किला गहरी खाई और मजबूत बुर्जों से सुरक्षित है। गणपतिपुले का भोजन मालवानी व्यंजनों से प्रभावित है। तीर्थस्थल होने के कारण इस क्षेत्र में नॉनवेज भोजन मिलना थोड़ा कठिन है। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट मांसाहारी भोजन बेचते हैं। यदि आप सी फूड के शौकीन हो तो लोकल फिश करी और चावल खाना न भूलिएगा।
गणपति फुले में घूमने की जगहों पर आपको चावल के साथ कोकम करी जरूर ट्राई करनी चाहिए। अन्य प्रसिद्ध व्यंजनों में बटाटा वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, सोल कड़ी और मीठे मोदक शामिल हैं। यदि आप स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन की तलाश में हो तो आप गणपति फुले में घूमने के साथ कहीं भी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में पौष्टिक शाकाहारी थाली का स्वाद ले सकते हो। गणपति फुले में घूमने लायक स्थानों की यात्रा की योजना बनाएं और तट पर बने समुद्र तटों की सुंदरता और शांति का पता लगाएं। समुद्र कोंकणी संस्कृति का अन्वेषण करें, वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें और प्रसिद्ध गणपति फुले मंदिर में दर्शन करें और आप समृद्ध महसूस करें। शहरी जीवन की निरस्ता से दूर रहकर प्रकृति की गोद में आराम कीजिएगा। यह यात्रा आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। आपकी यात्रा सुगम और आनंदित हो। आपको आज का कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही किसी और एजुकेशन वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।